जनपद में नगर निकाय चुनाव के लिए कोई भी प्रत्याशी 11 नवंबर तक बूथ बदलवाने के लिए एडीएम फाइनेंस के कार्यालय में आवेदन कर सकता है। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में 7 नवंबर तक दावा व आपत्ति प्राप्त की गई है। कुछ जगहों पर बूथ को बदलने के लिए शिकायत प्राप्त हुई है और जहाँ जहाँ पर परिसमन हुआ है वहाँ के वोटरों द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग दूसरे वार्ड में आ गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। यदि कोई प्रत्याशी अपने बूथ को बदलवाना चाहता है कि वह भवन जर्जर हो गया है, इन सब बातों की जांच कराकर बदल दिया जाएगा। इसमें कोई व्यक्ति एक आवेदन देकर बूथ को बदलवा सकता है। उन्होंने कहा, दावे व आपत्ति का समय समाप्त हो गया है। 14 नवंबर तक बीएलओ व सुपरवाइजर मौके पर दावे व आपत्तियों की जांच कर अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। यदि किसी का नाम जुड़ना होगा तो जुड़ेगा और नहीं जुड़ना होगा तो नहीं जुड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ हूँ नगर निकाय जो निर्वाचन है उसका। अभी 7 नवंबर तक की तिथि थी जिसमें दावे और आपत्तियां प्राप्त की गई हैं। इसमें दो तीन प्रकार के मसले आए हैं। एक है जिसमें वोट शिफ्टिंग का मसला है, कुछ लोगों का जहां जहां परिसीमन हुआ है, जैसे कुल 24 वार्ड हैं जहां परिसीमन हुआ है, वहां के कुछ वोटर ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हम इस वार्ड के थे और इस वार्ड में आ गए हैं। हम लोग उसको कंसीडर कर रहे हैं और उसकी जाँच करा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर बूथ चेंज का कोई प्रकरण है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बूथ है जो जर्जर हो गया है, भवन टूट गया है, उसको भी अगर चेंज या शिफ्ट करने की बात है, इन चीज़ों की जांच कराई जा रही। मेरा अनुरोध है इस संबंध में यदि किसी को कोई प्रार्थना पत्र देना है तो मैक्सिमम कल तक अर्थात 11 नवंबर तक दे दें, जिससे हम इसकी जाँच करा लें और समय से इसका निस्तारण कर सकें। इसमें किसी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक आवेदन दे देंगे। जो दावे और आपत्ति है उसका समय समाप्त हो गया है, 14 नवंबर तक इसकी हम लोग जांच कराएंगे। तो जिन लोगों ने भी अपने दावे और आपत्तियां दी हुई हैं उसमें बीएलओ या हमारे सुपरवाइज़र मौके पर जांच करने जाएंगे, अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद इनका नाम या तो जुड़ जाएगा और यदि जुड़ने योग्य नहीं रहेगा तो नहीं जुड़ेगा।